हेलो जी, नमस्ते। तो आज मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग पेज पे एक ऐसा वीडियो मिला है जो कि तुम्हें दिखाएगा और सिखाएगा कि गर्लफ्रेंड बनाना कितना 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 आसान है। तो अगर तुम भी चाहते हो गर्लफ्रेंड बनाना, लड़की पटाना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखते रहो एंड तक। इस वीडियो का टाइटल है आस्किंग 50 इंडियन गर्ल्स टू बी माय गर्लफ्रेंड विद 2 मिलियन व्यूज। ये वी मतलब व्यूज और दो वी इसलिए बनाया मैंने। इंटेलिजेंट हूं ना मैं। चल बस। व्हाट्स अप गाइस, मैं फ्रॉम भाइयों का चैनल एवी आर प्रैंक टीवी। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विनय फ्रॉम भाइयों का चैनल एवी आर प्रैंक टीवी। टीवी टीवी नहीं यार भाई, तेरा स्वैग उसके स्वैग से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। उसका स्वैग बहुत बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, तेरे बस की नहीं है वो सब करना। ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा और इससे अच्छा बन के दिखाऊंगा। और यार, जैसे तुम्हारे भाई में सब कुछ है, इसी तरह इस आईवूमी के फोन में सब कुछ है। अच्छा, तो इस फोन में 2 आंख, 2 हाथ और 1 नाक है और बहुत सारे बाल, 32 दांत और 2 लात और 1 मुंह है। क्या ये सब है इस फोन में? तेरी बहन का बंदर मारू, चालाक बनता है साले, चालाक बनता है। पागल हो गया है क्या मैं? इस वीडियो में ये बंदा बहुत सारी लड़कियों के पास जाता है और पूछता है, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? और लड़कियों का बस एक ही जवाब होता है, यस दिस मिडल फिंगर। यार, आप में से मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? आप में से मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? से मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? यार, आप में से मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? ना। नहीं, सॉरी, कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। अबे यार, गर्लफ्रेंड बनाने निकला है या फिर सब्जी बेचने निकला है? ऐसे कौन लड़की यहाँ बोलती है भाई? अबे यहाँ लौंडे एक लड़की के लिए पता नहीं क्या क्या करने तैयार हो जाते हैं, अपनी गाड़ी से अखरोट फोड़ने तैयार हो जाते हैं, वो तब उनसे निपटती है। और तो और, लौंडे प्यार में फुक जाते हैं, आशिक बन जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं, वो लड़की तब निपटती है उनसे। तू सोच रहा है इतनी आसानी से पटा लेगा? ना मुन्ना ना। वैसे वो सब लौंडे चूतिए होते हैं। स्मार्ट, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे गांव में ना बहुत जमीन है। ओ, जमीन। अब तो तेरी जमीन का क्या करेगी वो? उसमें सुबह सुबह लोटा लेके आगने जाएगी? कोई चांस नहीं है। देख लो यार, मेरे पास बुलेट है। मेरे पास बुलेट है। ओ हो हो, बुलेट, बुल्ट, बुल्ट। मुझे यार ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि लोगों के दिमाग में गलतफहमी क्यों बैठी हुई है कि कार और बाइक होने से लड़की आसानी से पट जाती है। लड़की पटाने के लिए पर्सनैलिटी की जरूरत पड़ती है, स्वैग की जरूरत पड़ती है, और लड़की पटाने के लिए गाड़ी नहीं, दाढ़ी की जरूरत पड़ती है, समझे? बस दाढ़ी तो है इसके। लेकिन ओ बेटी चल, तेरे पास बाइक है? नहीं। तेरे पास कार है? ना। तेरे पास गर्लफ्रेंड है? ना। लो जी, लो, कर लो बात। ओ बहन। अगर यार किसी लड़की को हाँ भी बोलनी होती ना, तो यार वो ऐसे ग्रुप में, मतलब इतने सारी लड़कियों के ग्रुप में कभी हाँ नहीं बोलती। लेकिन तुमने वो बात तो सुनी है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत सारी लड़कियों के ना बोलने के बाद आखिरकार आखिरकार एक लड़की ने हाँ बोल ही दी। श्योर? सीरियसली? हाय, व्हाट्स योर गुड नेम? नीरू। आई एम विनय। यार, आप बहुत क्यूट हो, पता है। इस साइड आओ यार, इन लोगों ने मना कर दिया। कम दिस साइड। तो बच्चे, तुमने देखा कितना आसान है गर्लफ्रेंड बनाना? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक पागल सांड की तरह अपनी गांड हिलाते हिलाते इधर उधर सड़क पे भागना और जो भी लड़की दिखे उससे पूछना है, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, बुलेट मेरी गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। और ये सब बोलने के बाद कोई ना कोई एक तो हाँ बोली देगी, और ना बोले तो डोंट गिव अप। और इस वीडियो से एक बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि एक लड़की को 50 बार प्रपोज करने से अच्छा है अलग अलग 50 लड़कियों को प्रपोज करो, कोई ना कोई एक तो हाँ बोली देगी। और यार देखो, अब ये वीडियो देख के हो गया मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर। तो देखो, मैं तो जा रहा हूँ भाई अब गर्लफ्रेंड बनाने, तुम अपना अपना देख लो, ठीक है? ए, सुनो। कौन? मैं? हाँ, तुम गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी? पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो? अरे यार, जान पहचान तो हो ही जाएगी, उसमें क्या है। नो, चले जाओ यहाँ से अब। ना। देख ले, बुलेट है मेरे पास, बुलेट पे बैठ कर घुमाऊंगा। अच्छा, और तुझे पता जमीन कितनी हम पे? एक कोने से खड़े होकर तू जितनी दूर तक देख ले उतनी जमीन है हम पे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं आवारा लोग। निकले से
बहन की पकौड़ी। ना कटवा दी मेरी नाक, पड़ गया तेरे कलेजे को चैन है। अब कल को पूरे मोहल्ले में सब क्या कहेंगे, भैया पिटवा दिया है। लौंडिया बाजी करेंगे, लौंडिया बाज बनेंगे, लौंडिया बाज। यो फेक वीडियो देख के गया तो यो पता ना लग रही तुझे, यो कतई फेक है कि यो है। और ये देखियो ये लड़की हो, ये सारी कैमरे की तरफ को देख रही है बारी बारी, इन्हें पता ना कैमरा किधर को, तभी तो देख रही है ये। पहले क्यों नहीं बताई तूने, तूने पूछी मुझसे जो मैं बताता। अबे यार चलने के लिए ऐसे किसी गड्ढे में मूत को उसमें डूब के मर जाइए, किसी गड्ढे में मूत को उसमें डूब के मर जाइए। चलो जी चलो ठीक है, अब अगली बार मिलेंगे नई वीडियो के संग। तब तक के लियो मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। अब वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइयो। ठीक है, धन्यवाद।